नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम लैपटॉप के अंदर ड्राइवर कैसे डालते हैं। हमने विंडो, मान लो विंडो इसकी इंस्टॉल कर ली है, तो अब आप ड्राइवर इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं और कौन कौन से इसके ड्राइवर ज़रूरी होते हैं, सभी ने ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है तो ये लिनोवो का लैपटॉप है, लैपटॉप चाहे किसी भी कंपनी का हो, इनका जो इंटरनेट से डाउनलोड ड्राइवर करने का तरीका होता है सेम होता है। आप मॉडल डालते हैं तो उसकी लिनोवो की साइट पर चले जाएंगे तो वहाँ से आपको ड्राइवर मिल जाएंगे। सेम मॉडल देखना है, अपने मॉडल का पता चलता है या तो बैटरी के पीछे होता है या तो फ्रंट पर लिखा होता है, G500, G630, G530 ऐसे मॉडल होते हैं, और वोस्ट्रो, डेलिस्प्रोन, HP, अलग अलग मॉडल होते हैं। तो सभी ने अपने ध्यान से देखना, जो आपके लैपटॉप का मॉडल है। मान लो आपके पास ड्राइवर पड़े हैं तो ड्राइवर को आपने कॉपी कर लेना है। तो कौन कौन से ड्राइवर डालने पड़ते हैं सभी ने ध्यान से देखना है, जो कंप्यूटर लैपटॉप के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसके जो ड्राइवर थे फॉर्मेट करने से पहले मैंने कॉपी कर लिए थे, तो मैं अब आपको बताऊंगा हमने क्या करना है। माई कंप्यूटर को ओपन करना है, इसके बाद मैंने इसके डी ड्राइव में सेव कर लिए थे, तो मैं डी ड्राइव को ओपन करूँगा। ये डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। ये ड्राइवर है, तो ड्राइवर को मैंने ओपन किया। तो इसमें जो मेन ड्राइवर होते हैं जो इसके काम के हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने इंटेल चिपसेट ड्राइवर डालना है। जो चिपसेट के नीचे आप देखोगे, अगर विंडोज 7 है, आप सेटअप फाइल है, इस फाइल को आपने डबल क्लिक करना है, ओपन करना है, फिर आपने यस करना है। अब जैसे आपने सेटअप इसका चला दिया है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है, फिर यस करना है, फिर नेक्स्ट करना है, कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल नहीं होगा तो इंस्टॉल नहीं होगा। अपने नेक्स्ट नेक्स्ट और करते रहना है, इसको परमिशन देते रहनी क्या क्या ये कह रहे हैं। तो दोस्तों, अब कह रहे हैं ये नेक्स्ट, तो हमने नेक्स्ट करना है, और फिर कह रहा है रिस्टार्ट। आप रिस्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप कर दो नो आई विल रिस्टार्ट लेटर। हमने ड्राइवर इंस्टॉल कंटिन्यू करने हैं, हमारे पास टाइम कम है तो हम नो कर सकते हैं, अगर टाइम है आपके पास तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन ड्राइवर होता है लैपटॉप का, होता है वीजीए ड्राइवर, ग्राफिक का। तो हमने ग्राफिक डालते हैं, इसके नीचे भी ग्राफिक को हमने ओपन किया, तो इसके जो नीचे है सेटअप फाइल, इसको हमने यस करना है। तो अब ये कह रहा है इंटेल HD ग्राफिक ड्राइवर इसका, तो ऑटोमेटिकली रन स्टार्ट नेक्स्ट, फिर अपने क्या करना है, यस करना है, इसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। तो ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके हर ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है। अब हम डालते हैं ग्राफिक का ड्राइवर। तो दोस्तों, चिपसेट ज़रूरी होता है, ग्राफिक ज़रूरी होता है, जो जो ड्राइवर ज़रूरी होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके काम के लिए होते हैं, तो आपको वही डालने चाहिए। अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है तो आपको सबसे पहले जो ड्राइवर है चिपसेट डाउनलोड कर लो, और साथ में ग्राफिक डाउनलोड कर लो, उसके बाद आप लैन का डाउनलोड कर लेना चाहिए, और साथ में वाईफाई का, ये आपके लिए ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, ये जब रिस्टार्ट होता है तो रिस्टार्ट होने के बाद ही आपके ड्राइवर डिटेक्ट करेगा, इससे पहले नहीं करेगा। जब ये कंप्लीट हो जाते हैं सारे ड्राइवर, तो आपको एक बार रिस्टार्ट कर देना है, उसके बाद स्टार्ट करना है, तो ऑटोमेटिक ये बताएगा कि आपका जो ड्राइवर है ले लिया इसने। अब मैं आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको बताऊँगा कि कहाँ पर दिखाएगा कि आपके ड्राइवर इंस्टॉल हुए हैं। आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है, और फिर अभी मैं रिस्टार्ट नहीं करूँगा तो नो आई विल करूँगा फिनिश। इसके बाद दोस्तों, फिर मैं वापस जाऊँगा, इसके बाद मैंने डालना है इसका कार्ड रीडर। कार्ड रीडर का भी ड्राइवर जरूरी होता है इसमें, तो हमने ये सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल या तो ब्लू होगी या तो ब्लैक होगी, इन दोनों फाइल को चलाना होता है। फिर हमने यस करना है, परमिशन दे दी इसको हमने। अब ये इसका USB कार्ड रीडर होते हैं या USB पोर्ट होते हैं, इनको डिटेक्ट करता है। तो USB का ड्राइवर भी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैपटॉप के लिए। अगर किसी में क्या होता है कि USB पोर्ट नहीं चलते हैं, एक चल दो चलते हैं, दो नहीं चलते हैं, तो आपको ड्राइवर डालना पड़ता है तभी चलते हैं वो। इसके बाद हमने क्या करना है, फिनिश कर देना है। तो हमने फिर से बैक जाना है।
अब हमारे लिए जो ज़रूरी ड्राइवर है टच पैड ड्राइवर। अगर लैपटॉप यूज़ करें तो टच पैड का ज़रूरी होता है, तो टच पैड को हमने ओपन करना है। ये सेट ऑफ फाइल है इसकी, ये नीचे इसको हमने डबल क्लिक कर दिया, ये ओपन कर दिया, यस। फिर हमने नेक्स्ट करना है, आई एक्सेप्ट करना है, इस पर टिक करना है, नेक्स्ट। तो दोस्तों जो टच पैड का ड्राइवर होता है वो हमारा जो माउस पैड होता है ये काम करता है। अगर आप टच पैड का ड्राइवर नहीं डालते हैं तो ये कह रहा है आपका जो टच पैड ड्राइवर है इंस्टॉल हो गया है, तो हमने फिनिश कर दिया। अब ये रिस्टार्ट के लिए मांगता हूँ, अभी मैं रिस्टार्ट लेटर करूँगा, तो फिर हम बैक जाते हैं दोस्तों। अब अगर आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो कैमरे के लिए आपको कैमरा ड्राइवर होता है, इसके ऊपर टिक करना है, आपने ये सेट ऑफ फाइल है इस पर डबल क्लिक करना है, फिर यस करना है, फिर नेक्स्ट। तो दोस्तों लैपटॉप में अगर कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो कैमरे का ड्राइवर ज़रूरी है इंस्टॉल करना। तो दोस्तों इसका जो ड्राइवर है वो पूरा कंप्लीट हो गया कैमरे का, तो हमने फिनिश कर देना है। इसके बाद दोस्तों फिर हमने से वापस जाना है, अब हमने डालना है इसका लैन का ड्राइवर। लैन के ड्राइवर टिक करेंगे, सेट ऑफ फाइल है, सेट ऑफ फाइल या ब्लैक होती है ऐसी दिखती है या तो ब्लू होती है, दो ही कलर होते हैं इसके। फिर हमने यस कर दिया, अब इसका ये लैन कार्ड का ड्राइवर है, फिर हमने नेक्स्ट कर दिया, इसको परमिशन दे दी अपने, फिर हमने इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि लैन कार्ड का भी ड्राइवर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो कह रहे हैं इंस्टॉल शीट विजार्ड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, क्विक क्लेम एथ्रॉन, ये इसका सीरीज थी, ये इंस्टॉल हो गया है, तो हमने फिनिश करना है। अब हमारा एक ड्राइवर रह गया, तो वो भी हमने डालना है। अब हमारा आ गया वाईफाई का, क्योंकि लैपटॉप है तो इसके लिए वाईफाई ज़रूरी होता है, तो इसलिए अपने इंटेल वायरलेस लैन ड्राइवर होता है, और हमने क्या करना है ऑटो रन पर टिक कर देना है। विंडोज 7 के ऊपर टिक कर सकते हैं, नहीं तो ऑटो रन ईजी रहता है। फिर हमने यस कर दिया, अभी इंटेल का ड्राइवर इसके अंदर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा वाईफाई को कौन सा ड्राइवर है। इसके बाद में फिर आपको बताऊंगा कि ये ड्राइवर कौन कौन से इंस्टॉल होगा, कहाँ से चेक करते हैं कि ड्राइवर जो आपके आए हैं, जो ड्राइवर नहीं आया होगा तो वहाँ पता चलेगा कि आपको किसी और ड्राइवर डालने की ज़रूरत है। अब हमने करना है इंस्टॉल, ऊपर पहले टिक करना आई हैव रिव्यूड द एग्री, हम इसको परमिशन देते हैं, तो इंस्टॉल पर टिक कर दिया, तब ये वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। ये प्रो सेट वायरलेस सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा इसको। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि हम लैपटॉप के अंदर कैसे ड्राइवर डालते हैं। अगर आपके पास ड्राइवर पड़े हैं तो कौन कौन से ड्राइवर ज़रूरी होते हैं, जो मैंने ड्राइवर डाले सारे ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप ये ड्राइवर नहीं डालेंगे तो आपका लैपटॉप सही से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों हमारे जो ड्राइवर है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो अब ये कह रहा है कि रिस्टार्ट कर दो, तो हमने रिस्टार्ट करना है, तो हमने इसको यस कर दिया, तो फिनिश कर दिया, इसके बाद ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट आपने पावर ऑफ़ नहीं करनी है, पावर ऑफ़ करने से क्या होता है आपका जो लैपटॉप है उसके ड्राइवर जो होते हैं मिस हो जाते हैं, इसलिए आपने कभी भी लैपटॉप को बंद नहीं करना है डायरेक्ट।
तो आपने देखा जो आपका लैपटॉप है वो स्टार्ट हो गया है और जो इसके वर्ड हैं पहले से काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा जो ग्राफिक का ड्राइवर वो आ गया है। ऑडियो का ड्राइवर डालने की ज़रूरत नहीं होती, ऑडियो आजकल जो भी मदरबोर्ड या लैपटॉप होते हैं वो ऑटो प्ले होता है, आप डालोगे तो भी ऑडियो काम करेगा, नहीं करता है तो आपको ऑडियो का ड्राइवर डालना पड़ता है। तो दोस्तों, जिन लोगों के अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है कि ड्राइवर नहीं डलता है, वो मुझे वीडियोस के अपने मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि हमारा ये जो मॉडल है इसके ड्राइवर हम कैसे डालें, तो मैं आपको वेबसाइट बता सकता हूँ या आपको लिंक भेज सकता हूँ। तो दोस्तों, अब हम चेक कैसे करेंगे, हमने माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है। अब हमने राइट क्लिक किया, और अब हमने प्रॉपर्टीज में, यानी प्रॉपर्टीज है, और अब हमने इस पर टिक करना है डिवाइस मैनेजर, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर टिक किया। और अब ये देखो कि ये बता रहा है आपका ऊपर है, सभी ने ध्यान से देखना है, डिस्प्ले का ड्राइवर था ये, इसने ले लिया है इंटेल HD ग्राफिक ड्राइवर, 4000 सीरीज का है ये, कैमरे का है, कैमरा भी ले लिया इसने। और ये नीचे है, ये बता रहा है इंटेल है, आपका ब्लूटूथ भी आ गया है, इंटेल R7 ट्रिनो वायरलेस N135। तो दोस्तों, हमारे जो ड्राइवर हैं इंस्टॉल हो गए हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सीखा कि हम लैपटॉप के ड्राइवर कैसे डालते हैं, और अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लैपटॉप का मॉडल सर्च करें, उसमें जो भी जो ऑफिशियल साइट होती है वहीं से डाउनलोड करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।